हाँ जी, अब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? अब आप पूछिए कुछ। हाँ जी, करीना। बताओ इनमें हाँ जी करीना, पूछिए। हाँ जी शिवानी, पूछिए। हाँ जी अक्षय, पूछो। बोलिए। तो क्वेश्चन 10 ईयर में कौन सा क्वेश्चन? नंबर प्रीवियस पेपर पेपर कौन सा है आपका? दूसरा पेपर है क्या जो कल आप अपलोड करा था, वो है? क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस ऐसे कैसे? मेरा नंबर है आपके पास में, या फिर टेलीग्राम पे हो ना, उसको जरा एक बार शेयर करो टेलीग्राम पे, फोटो लेकर के मैं देख लेता हूँ। सर मैं टेलीग्राम में न्यू आदमी भेज सकते हो आप? लिंक मैंने भेजा हुआ है ग्रुप के अंदर। सर शायद मेरे पास है नहीं, आप इसमें भेज सकते हो? वैसे मैं एक लेट करके ज्वाइन हो जाता हूँ अभी। उसको मैं फिर रीसेंड तो क्लास के बाद ही करवा पाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट मुझे फोन करना होगा उसके लिए, और इस समय मैं लाइव हूँ। ओके नहीं सर, तो कोई बात नहीं, तो अभी आपको लिंक शेयर करवा देता हूँ, और क्लास के बाद आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ जी शुभम। ऑनलाइन रीड करते आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज। एक सेकेंड रुक, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम देख लेता हूँ क्या है। हाँ जी, अब पूछे। तो ये जो इंग्रेडिएंट ठीक है जी, ठीक है मैं आपका जो है क्वेश्चन समझ गया, कि मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से डिमांड कर्व पर डेरिवेशन, ये क्वेश्चन है। हाँ, डिमांड कर्व जो है ना कॉन्वेक्स भी बनता है। हाँ, कॉन्वेक्स होता है, डिमांड कर्व जो है कॉन्वेक्स भी बनाओगे, कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो इसमें बना सकते हैं फिर गूगल डायग्राम? हाँ आप बना सकते, हाँ बना सकते हो आप, या स्ट्रेट लाइन बना लो या कॉन्वेक्स बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन बता देना इसमें ठीक है जी, ठीक। थोड़ी। अब यहाँ पर भरत कुमार पूछ रहे हैं। हाँ जी भरत, पूछिए। बताते हैं देख, चेंज कर लेते हो सर, वैसे बताते नहीं। क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं? सर क्वेश्चन तो साथ लेकिन आप सर होएगा तो आगे के बता देंगे ठीक है जी, तो सर, बता देंगे सर, आप बताते हैं। आप क्वेश्चंस भेजिए मुझे। ठीक है सर, डाउट होगा तो। ठीक। कार्तिक। हाँ जी कार्तिक, बोलिए। हाँ सर कार्तिक बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ कार्तिक बोलिए, फिर से आपकी वॉइस जा रही है। अक्षय, चलो अब मैं अपने डाउट पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं आपका डाउट सेशन पर आपको लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ में आ गया, पेपर नंबर 2
जो कि आप इन पेपर को वीडियो के थ्रू अगर आप देखेंगे, तो वीडियो में नंबर डाल देता हूँ, आप वहां से देख करके इसे समझ सकते हैं। इसको पेपर नंबर टू पे आज आपको पेपर तैयार करना है ना। सबसे पहले मैंने आपके डाउट क्लासेस में कहा था कि आपका जो है स्केयरसिटी, हाँ जी, स्केयर सिटी में किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। हाँ जी, मैं चैप्टर वाइज डाउट लूंगा ना, कोई बच्चा एक्सपेंशन पाथ, कोई इंडिफरेंस कर्व, कोई लॉन्ग रन, कोई शॉर्ट रन, क्या समझ में आएगा, पूरी खिचड़ी बन जाएगी। और फाइनली आप ये बोलोगे आपने डाउट नहीं लिया, आप मुझे मालूम है इस बात को आप बोल दोगे, इसलिए मैं पहले चैप्टर वाइज डाउट लेकर सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा ताकि किसी बच्चे को कुछ डाउट नहीं रहे। तो मुझे आप सबसे पहले वो बच्चे हैंड रेस करेंगे कि आप जो है स्केयरसिटी इससे रिलेटेड किसी कोई डाउट है। इसमें मिक्स इकोनॉमी मॉडल की बात कर रहे हैं आप। पहले आप है ना कमेंट कीजिए, अब ये ऑडियो को छोड़ दीजिए, अब ऑडियो छोड़ दें और कमेंट में क्वेश्चन लिखें। न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर में से है, इस ये मेरा कोई टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं है, एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर थ्री और पार्ट ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं आराम से, तसल्ली से, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, तसल्ली से आप अपने जो है डाउट को पूरा लिखें। आप क्या डाउट है आपका? सर मिक्स इकोनॉमी में है डाउट, ठीक है मैं लिख लेता हूं जो जो आप बोलेंगे। एक जो डाउट आपके पास पाया, मिक्स इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। और सर मिक्स इकोनॉमी में है डाउट इसमें, ठीक है। और पीपीसी स्केयरसिटी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक, ठीक है, पीपीसी एंड स्केयरसिटी, पीपीसी और आपके पास में स्केयरसिटी, ठीक है। और बताओ जरा, दीपांशु, पीपीसी के बारे में, पीपीसी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, पीपीसी जो है कन्वेक्स, कॉनकेव, एक लाइन किस सिचुएशन में हो सकता है, ये एक डाउट है आपका, ठीक है। और ये तीन सवाल आपके आए हैं पहले स्केयरसिटी से, मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट विद इन टू पॉइंट ऑन द पीपीसी एक्सप्लेन कर दो, मतलब पूरा चैप्टर ही बोल रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ा दूं। वीडियोस में है ना कि क्वेश्चंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं था वीडियो में, यहां से वीडियो मेरे पास में एप्लीकेशन, चले मैं एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ आपको, वीडियो कहाँ कहाँ है स्केयरसिटी में। ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इनमें से मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो कि मैंने वीडियोस में कवर नहीं की है, ठीक है, जो कवर कर चुका हूं वीडियो में। पीपीएफ क्या होता है, जो हमारा पीपीसी होता है ना,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पीपीएफ बोलते हैं, फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये दोनों एक ही चीज होता है बच्चे, ठीक है ना। पीपीसी और पीपीएफ एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको मिक्स इकोनॉमिक मॉडल के बारे में, मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर दिया था ना आपका, मैं मिक्स इकोनॉमिक मॉडल का जो है कंटेंट लगा रहा हूं सामने स्क्रीन पर, मुझे 5 मिनट दीजिए। सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या फिर अभी मैं ऐसे समझा दूँ और क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम में शेयर कर दूँ, टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी, फिर इसमें भी लगवा दूँगा ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पहले कैसे क्या लिख, मीनिंग डाल दिया मैंने टेलीग्राम में, ठीक है जी, और फीचर डाल देता हूँ इसके,
समझाया है ना मैंने, क्या करें बच्चों को। हाँ जी, तो जैसे कि आप अपने सामने टेलीग्राम पे चीज़ों को देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने जो है शेयर कर दिया है, ठीक है। देखिए मिक्स इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका है। मिक्स इकोनॉमी क्या रहता है, मैंने आपको हमारे पास में बेसिकली तीन तरीके की जो है मॉडल है, एक है कैपिटलिस्ट, एक है सोशलिस्ट और एक है मिक्स इकोनॉमी मॉडल। और हमारे हर इकोनॉमी के पास में रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। रिसोर्सेस मीन्स फैक्टर, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ में 100 रुपए है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप अनलिमिटेड चीज़ों को बाय नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों से बनती हैं, क्रिएट होता है चीज़ें, रिसोर्सेज से ही हर चीज़ें बनती हैं जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं। अगर ये रिसोर्स ही लिमिटेड है तो हम अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की। तो इसलिए हम अपने मैक्सिमम जो है वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है। अब इसी वजह से हर इकोनॉमी को तीन चीजें सोचनी पड़ जाती हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होता तो सोचना नहीं पड़ता, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इकोनॉमी को सोचना पड़ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। अगर हमारे पास में रिसोर्सेस अनलिमिटेड होता तो मैं क्यों सोचता व्हाट टू प्रोड्यूस, सब चीज का प्रोडक्शन करो, मैं यही कहता। अब मार्केट में हम जाते हैं तो सोचते हैं ना कि भाई क्या लें। अगर आपके पास पैसा अनलिमिटेड बहुत होता, अनलिमिटेड होता, मान लो आप मुकेश अंबानी ही होते तो
तो क्या सोचते क्या ले, सब ले लेते आप जो भी दिल में आता। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के वजह से ही हर इकोनॉमी, ये सिर्फ भारत के साथ में ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है कि जो संसाधन है वो सीमित होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, और उससे हम जो है अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ सवाल एक इकोनॉमी के सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो रिसोर्सेज है उससे हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। बेसिकली दो टाइप का होता है प्रोडक्शन, एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। तो देश में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर हम कैपिटल गुड्स का जो है उसको प्रोड्यूस करें। अब आप कहोगे सर ये कौन सोचता है, ये तो देश की नागरिक अपने अपने हिसाब से तय करती है। देखिएगा ये गवर्नमेंट जो है ना वो डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, किसका प्रोडक्शन करें। जैसे भारत में क्या आप हथियार बना सकते हो, अपने घर में गन बना सकते हो, बम बना सकते हो? अगर ये लोग डिसाइड करते तो आप कर लो डिसाइड, बना लो, ये इलीगल। गवर्नमेंट ने इसको क्या अनाउंस कर दिया, इलीगल। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट को जिस चीज का प्रोडक्शन करवाना होगा उसके लिए टैक्स कम करेगा, इंक्रीजमेंट करेगा, आपको आपको प्रोत्साहित करेगा, और जिसका प्रोडक्शन उसको नहीं करवाना उस पर वो बैन प्रतिबंध लगा देगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पीछे से काम करती है इकोनॉमी में कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन हो, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो या फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो। गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो कंट्री शांति है, जिसमें पीसफुल है, शांत वातावरण है, कोई युद्ध से संबंधित समस्या नहीं है, तो नॉर्मली वो कंट्री जो है कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करती है। लेकिन ऐसा देश जो कि चारों तरफ दुश्मन देश हो, जैसे इसराइल, तो इनको जो है कैपिटल गुड्स, फाइटर प्लेन, टैंक, गन, इनका प्रोडक्शन करना पड़ जाता है। तो यह हर कंट्री की अपनी सिचुएशन है कि वो किसका प्रोडक्शन करेगा। खैर ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री सिर्फ गन ही बना रही है या फिर कोई कंट्री सिर्फ चावल ही पैदा कर रही है। हर कंट्री दोनों चीज़ों का फोकस करती है, कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करती है और कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करती है। बस किसी कंट्री में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कंज्यूमर कम होता है, किसी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कैपिटल का प्रोडक्शन कम होता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस कौन, ये गवर्नमेंट पीछे से कंट्रोल करती है, ध्यान रखना। हाउ टू प्रोड्यूस, अब कई बार जैसे भारत है, इस समय भारत के अंदर बेरोजगारी का एक बहुत अहम कारण क्या बना हुआ है कि कैसे प्रोडक्शन करें, ये गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में चीज़ों को रख सकती है। बट ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको जो है फ्रीडम दे दिया लिबरलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप देखिएगा हाउ टू प्रोड्यूस, किसके प्रोडक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लेबर का इस्तेमाल कर करके उसका प्रोडक्शन करें, मतलब ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करें, इसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, और एक हम या तो कैपिटल का प्रोडक्शन करें, इसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब मशीनरी का इस्तेमाल करें। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, अगर गवर्नमेंट ये चाह लेगी ना कि लोग लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करवाएं, मशीन का इस्तेमाल ना हो, तो गवर्नमेंट मशीन के फैक्ट्रियों पर ही प्रतिबंध लगा देगी और मशीन के इंपोर्ट पर बैन लगा देगी, या इतना टैक्स लगा देगी कि वो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा मशीन का यूज करना, उससे ज्यादा आसान लोगों के लिए सस्ता उसके लिए लेबर लगेगा लोगों के लिए, तो लोग मशीनों को छोड़ के लेबर को पकड़ने लग जाएंगे। गवर्नमेंट पीछे से कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप आपकी अपनी मर्जी सब कुछ कर रहे हो, या आपकी अपनी गलतफहमी है, अगर आज आप अपने अगर आज की डेट में आपने अपने फैक्ट्री में मशीनरी लगा रखी है, सोच रहे हो तो हमारी मर्जी थी, गलतफहमी है, सरकार चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगा दे, फिर आप मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सरकार चाहे तो उस मशीनरी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दे टैक्स लगा कर करके, अब अगली मशीन आप ला नहीं पाओगे, सोचोगे लेबर से काम करवा देते हैं, महंगी मशीन कौन खरीदेगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पीछे से कंट्रोल करती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करें या मशीनरी का प्रोडक्शन करें, ये रिमोट कंट्रोल सरकार के पास में पीछे से रहता है। ठीक है, आज के डेट पे देखेंगे, आज के इस समय 2022 की मैं बात करता हूँ, तो बेरोजगारी का अहम कारण जो है हाउ टू प्रोड्यूस में लोगों ने टेक्नोलॉजी मशीनरी को ज़्यादा अडॉप्ट करा है। बैंकिंग के बैंक के अंदर आप कैश डिपॉजिट करने की मशीन है, अब आपके पास में एटीएम मशीन्स हैं, अब स्कैनर नहीं है, अब फ़ोन रिचार्ज आप सेल्फ कर सकते हो, किसी दुकान पर आप नहीं जाते, पहले दुकान पर जाते थे उसकी इनकम हुआ करती थी, अब अपने फ़ोन पे पेटीएम से सारी पेमेंट आप कर लेते हैं, तो आप स्टडी भी आप ऑनलाइन कर लेते हैं, पहले ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप जाते थे और वहाँ पर रिक्शा किराया आप देते थे और वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान भी आप लेते थे, फिर आप आकर के पढ़ते थे, तो इतने सारे हॉल भी किराए पर लगते थे, किराए जिनका हॉल था उनको किराया मिल जाया करता था। तो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस से फिर इन बहुत सारे लोगों की जो है आमदनी का सोर्स, इनकम का सोर्स बंद हो गया। रिक्शे वाले, पानी बेचने वाले, फुटपाथ पर जो कुछ सामान, समोसा जलेबी बेचने वाले, जो मकान मालिक है उनका मकान का किराया, ये बहुत कुछ चीज़ें जो हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें लगती हैं, तो अब इनकी डिमांड कहीं ना कहीं फिर कम होगी ही होगी। तो खैर मेरा सवाल यह है कि हाउ टू प्रोड्यूस,
किस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन हो, ये गवर्नमेंट के हाथ में कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल रहता है। होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, अमीरों के लिए चीज़ें बनाई जाए या गरीबों के लिए। अगर अमीरों के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी तो क्वालिटी का ध्यान अच्छा रखा जाएगा, महंगा होता तो होने दो कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी करनी है तो उस परस्पेक्टिव से चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। और गरीबों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जाए बट सस्ता होना चाहिए ताकि वो इसको खरीद पाए। तो होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, तीन प्रॉब्लम्स, इसको बोलते हैं सेंटर प्रॉब्लम। ये तीनों के तीनों जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ये हर इकोनॉमी फेस करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। अगर मेरे पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता तो मैं सब चीज़ का प्रोडक्शन करता, हाउ टू प्रोड्यूस का सवाल ही नहीं पैदा होता, जैसे मर्जी वैसे प्रोडक्शन करता। अब हाउ टू प्रोड्यूस में सोचना पड़ रहा है कि सबसे बेटर ज़्यादा प्रोडक्शन डबल हो पाए, रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो पाए। तो मैं कोई सारे सवाल नहीं, उनके जवाब, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े ही नहीं होते, जवाब की तो बात ही नहीं है। बट इकोनॉमी में क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसकी वजह से हमारे पास में तीन सेंटर प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ये तीनों सेंटर प्रॉब्लम लोगों को हाथ में दे दिया जाता है, ये तीन जो है ये पब्लिक के कंट्रोल में दे दिया जाता है तो इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। कि व्हाट टू प्रोड्यूस, सरकार बोलेगी हम नहीं डिसाइड करेंगे, आपका जो दिल करे आप बनाओ, बंदूक बनाओ, क्या बनाना है जिसमें आपको फायदा लगे आप बनाने लग जाओ, गवर्नमेंट हम डिसाइड नहीं करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, जिससे आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहे, कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट हो, आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना चाहिए, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। होम टू प्रोड्यूस, जो आपका सामान खरीदता है, जो आपके कस्टमर है, जिस तरीके के उसके लिए बनाओ। गवर्नमेंट हाथ खड़े करती है, बोलती है भैया मेरा काम नहीं है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, आप देख लो जो क्या बनाना है। आप जनता पे छोड़ देती है, पब्लिक पे छोड़ देती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में पूरा पब्लिक पर, हाउ टू प्रोड्यूस आप देख लो और होम टू प्रोड्यूस भी आप ही देख लीजिए। गवर्नमेंट बोलेगी हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ऐसे इकोनॉमी मॉडल जहां पर गवर्नमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करती है, उस इकोनॉमी मॉडल को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। खासकर ये वहां लागू होता है जहां पर अमीरों की संख्या ज्यादा हो, गरीबों की संख्या बहुत कम हो। इंग्लैंड जैसा देश, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें, तो वहां पर लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाता है, ये वहां के जो अपने एंटरप्रेन्योर हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, मशीन से भी अगर चीज़ों का उत्पादन कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या इतनी भारी भरकम नहीं है जो कि लोग बेरोजगार होने का डर है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, जैसा आपके लिए इफेक्टिव रहे वैसा प्रोडक्शन करो। होम टू प्रोड्यूस, जो आपका ज़्यादा तो लोग रिच ही हैं, तो अगर आप महंगी चीज़ें बना पा रहे हो अच्छी क्वालिटी की तो उसमें दिक्कत क्या है, लोग रिच हैं कोई सर्वाइव थोड़ी कर रहा है। तो ऐसे कंट्री जहां पर अमीरों की संख्या ज्यादा है वहां पर ये तीनों डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती है, पब्लिक के हाथ में छोड़ देती है और वो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। कुछ कंट्रियां ऐसी भी होती हैं जिसमें ज्यादातर लोग जो हैं गरीब, जैसे नाइजीरिया हो गया, ऐसे देश जहां पर पानी खाने का बहुत अभाव है। अगर यहां पर हमने एज अ गवर्नमेंट, मैं मान लो गवर्नमेंट टू नाइजीरिया का, वहां पर खाना पानी कुछ भी नहीं लोगों के पास में, और मैं लोगों को बोलता हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस, तुम प्रोडक्शन कर लो, सबसे पहले बताओ कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे। वहाँ की ज़्यादातर 95-98% आबादी ऐसी है जो कि अपने लिए दो वक्त का खाना नहीं जुटा पा रही है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए बैठा है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, मशीनरी से प्रोडक्शन तो मैं करवा नहीं सकता क्योंकि मुझे रोजगार भी देना है, तो मैं इसका अंदर बैलेंस भी देखूंगा, मैं कंट्रोल में ही करूंगा हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि मेरा है। और होम टू प्रोड्यूस, जाहिर सा गरीब लोग ही हैं मेरे देश में, तो गरीबों के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। तो जब ये तीनों के तीनों डिसीजन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख लेता है, बस वहाँ की जनता क्या काम करती है, कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं करती है, वो सरकार के जो कंपनियां हैं उसमें एज अ कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करती है। इस अवस्था को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल, जो कि सोशल वेलफेयर के पर्पज से, परस्पेक्टिव से बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल हो गया। इसके बाद हमारे पास में, इसके पास में लेकिन कुछ कंट्री ऐसे थे, भारत जैसा देश, पाकिस्तान हो गया, ये कुछ कंट्री हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री होती हैं, खासकर जो डेवलप हो रही होती हैं। यहाँ पर हम सबको जनता के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें कि गवर्नमेंट, जिसमें जनता इतनी अमीर नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाएगी, जैसे रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकती है, बहुत भारी खर्चा आता है।
हाईवे नहीं बना सकती है, अब बना सकती है, अब लोगों की क्षमता आ चुकी है, अब बड़ी बड़ी अडानी अंबानी कंपनियां आ गई हैं, बट पहले जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो किसी की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को हाथ में ले पाए। और ऐसे प्रोजेक्ट को हाथ में ले भी लेंगे तो ये रिटर्न ऐसा नहीं कि आगे 10 साल लगे इस प्रोजेक्ट में तो अगले 2 साल में रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट का रिटर्न जो है काफ़ी आने वाले समय में 10-20-50 सालों में मिलता है, जाके रिटर्न मिलता है, उसके आगे प्रॉफिट होता है। तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो भारत जैसा देश, डेवलपिंग जैसी कंट्री, जहां पर सरकार ने क्या करा था, अब देखिएगा बहुत सारी कंपनियां, ऐसे में सरकारी कंपनी, रेलवे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसकी है, भारत सरकार की है, कोई प्राइवेट रेलवे तो नहीं चल रहा है, क्लियर है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो केमिकल्स बनाती हैं, जो सिर्फ सरकार ही बनाती है, जो हथियार बनाती है DRDO सरकार की कंपनी है, कुछ पेट्रोल की कंपनियां सरकार की है, सरकार एज अ कंपनी LIC भी चला रही है, लाइफ इंश्योरेंस। तो सरकार को आप देख पा रहे हैं कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर बहुत चीजें गवर्नमेंट रन कर रही है। सरकार ने कुछ फाइनेंस के अंदर, कुछ बैंकिंग के अंदर आई हुई है, गवर्नमेंट यहां पर SBI चला रही है। अब SBI थोड़ी समाज की सेवा के लिए है, आप अगर वहां पे पैसा अपना डिपॉजिट करते हो तो आपको 3-4% मिलता है, और आप लोन लेने जाओगे तो 15% मिलता है। ये जो बीच का 10% खा रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, आप उनका प्रॉफिट हो रहा है ना, ये तो सरकार प्रॉफिट कमा रही है, नहीं कमा रही है व्यवसाय का। तो सरकार, आप भारत में देखेंगे बहुत सारे क्षेत्र में सरकार जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में सरकार इन्वॉल्व भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी देख लीजिएगा, मुकेश अंबानी की देख लीजिए, जियो कंपनी देख लीजिए, और भी 36 ऐसे एग्जांपल हैं जो प्राइवेट कंपनी काम कर, टाटा स्टील देख लो, बहुत सारी कंपनी देख लो आप जो प्राइवेट काम कर रही है। तो जिसमें कि सरकार का भी कंट्रोल रहता है और आम लोगों को, पब्लिक को फ्रीडम भी रहता है, वो अपनी तरफ से व्यवसाय कर सकता है, मतलब दोनों मिलकर के, मतलब कैपिटलिस्ट वाले भी लक्षण पाए जा रहे हैं और सोशलिस्ट वाले भी गुण पाए जा रहे हैं। ऐसे इकोनॉमी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। मिक्स मतलब दोनों चीजों को मिलाकर के जो इकोनॉमी मॉडल बनाया गया है। इसमें 1947 का मिक्स इकोनॉमी मॉडल हमारा, आजादी के बाद से लेकर अभी तक हमारा मिक्स इकोनॉमी मॉडल रहा, हम कभी भी ना तो सोशलिस्ट रहे ना कभी हम कैपिटलिस्ट रहे, लेकिन फर्क है मिक्स इकोनॉमी मॉडल में भी। जब हम आजादी के बाद का हमारा मिक्स इकोनॉमी मॉडल था, उसके अंदर हमारे पास में 80% से अबव हमारा सोशलिस्ट के फीचर्स थे और हमारे 20% ही कैपिटलिस्ट के फीचर थे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल एक तो सोशल वेलफेयर के लिए पर्पस से बनाया जाता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव रहता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज में इतना इतने एफिशिएंटली इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकती है, मैनेज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। करप्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेट गवर्नमेंट को हार्म ही करती है, जैसे हमें 1992 तक किया था। इसलिए हमारे, लेकिन कुछ चीज ऐसी जो बहुत जरूरी है, जैसे कि केमिकल्स का परमिशन सबको नहीं दे सकते, वो केमिकल का क्या से क्या बना करके उसका जो है दुरुपयोग भी हो सकता है। हथियार के लिए परमिशन नहीं दे सकते, घर घर में लोगों के हाथ में हथियार आ जाएगा, छोटी सी बात पे गुस्से में लोग इसका इस्तेमाल कर बैठेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें, कुछ हम रॉकेट इन सब चीजों बनाने की परमिशन नहीं दे सकते, कोई राज्य बना करके अपने आप को देश से अलग करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि सेंसिटिव है, गवर्नमेंट इसको अपने कंट्रोल में रखी हुई है इस समय। और बाकी चीजें जो कि एजुकेशन हो गया, खाना हो गया, अनाज हो गया, बाकी चीजें गवर्नमेंट ने इसको फ्रीडम दे दिया, पब्लिक सेक्टर बोला आपको करना है आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इकोनॉमी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। तो मैंने अब आपके साथ में जो इसका आंसर शेयर करा है वो क्या है, मिक्स इकोनॉमी मॉडल में, ये बातें पहले ही बता चुका हूं और आप मुझसे दोबारा, आपने मुझसे रिपीट करवाया है। मिक्स इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज इकोनॉमिक कंट्रोल, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल रहता है, उसे मिक्स इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। इट इज अ गोल्डन मिक्सचर ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म, मतलब कि पूंजीवादियों का समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का जो है एक यहां पर एक गोल्डन मिक्सचर होता है। अंडर दिस सिस्टम देयर इज द फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट इंटरफेयर्स फॉर द सोशल वेलफेयर, हेंस इट इज ब्लेंड ऑफ बोथ द इकोनॉमिक्स, द कंसेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी। क्लियर है जी, आप क्या कह रहे हैं, को एग्जिस्टेंसी
प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही रहते हैं इसमें, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, तो यहां पर जो है इन मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, हाउएवर हियर इज मस्ट बी द रिमेंबर दैट देयर मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी मे नॉट कंसिडर इन अ फ्यू पॉकेट्स। यहां पर क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है, प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्ड प्राइस, देखिए दोनों चीजें पाए, प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल प्राइस। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई में कि डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से मार्केट में ऑटोमेटिक जहां पर डिमांड सप्लाई होता है वहां पर प्राइस सेट हो जाता है मार्केट के अंदर, तो उसको हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। और हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल आप देख रहे हो भारत, और यहां पर हमारा जो है प्राइस मैकेनिज्म से प्राइस डिसाइड हो पा रहा है, जिस प्राइस पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए वही प्राइस हमारे पास में एज अ मार्केट प्राइस है। लेकिन आप प्राइस कंट्रोल भी है, एग्जाम्पल के लिए मैं डिमांड सप्लाई तो हम ज्यादातर चीजों पर छोड़ देते हैं कि जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइस डिसाइड हो गया है इक्वल वो प्राइस चलने दीजिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया था एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर अगर आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि एकदम से सप्लाई मार्केट में आती है जब फसलों की कटाई होती है, लेकिन उसका कंजम्पशन एक दिन में नहीं हो जाता है, कंजम्पशन साल भर चलता है और कोई कंज्यूमर साल भर के लिए उसको खरीदता भी नहीं है, तो किसान उन अनाज उन फसलों का करेगा क्या जो कि एक दिन में उतना ही बिकेगा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, बाकी साल भर का पैदा कर लिया है उसने, बाकी का क्या कहाँ स्टोर करेगा। अब बोलेंगे आप स्टोर कर लेगा भैया, उसके पास अपना खुद का घर मट्टी का है, वो कहाँ से उसके पास गोडाउन आएंगे। तो वहां पर वो चीजें जो आप देखेंगे कि आपके पास में वो वहां पर किसानों को जल्दबाजी रहती है चीजों को बेचने की ताकि फसलें खराब ना बर्बाद ना हो जाए। अब उन फसलों को जो लोग खरीदते हैं जो बिचौलिए होते हैं जो मीडिएटर होते हैं वो उनको कोड़ियों के भाव देते हैं क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड इस समय बहुत कम है उसकी, तो कहीं जो वो चीज चावल गेहूं देखिए कि 2-2 रुपए किलो में उनको ऑफर करते हैं कि आप हमें दे जाओ, किसान बेचारा करे तो करे क्या, जीरो होने से अच्छा 1 रुपए ही मिल जाए। कई बार किसान गुस्से में आकर के जब उनकी फसलों की कीमत उनको नहीं मिल पाती है तो सड़क पर वो टमाटर प्याज ये फेंक देते हैं, दूध गिरा देते हैं रोड पर, उनको उनकी कीमत नहीं मिल पा रही है। तो यहां सरकार इंटरफेयर करती है, प्राइस कंट्रोल करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा देती है कि भैया हम आपका गेहूं 20 रुपए किलो लेंगे एग्जाम्पल के लिए, अब कोई भी मीडिएटर उसको 18 रुपए किलो ऑफर करेगा तो क्यों किसान वहां बेचेगा, वहां मंडी लगा रखी है गवर्नमेंट खरीदने के लिए अपनी मंडी सरकारी मंडी लगा रखी है, किसान जाएगा वहां पर बेच देगा, हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में तो नहीं हर क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है ऐसी मंडियां देखने को मिल जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरिया में, और वहां के लोग अब सरकार को बेच देती है तो सरकार कहीं ना कहीं प्राइस कंट्रोल भी करती है, जब सरकार देखती है कि प्राइस जरूर ज्यादा नीचे चला गया है किसानों के लिए नुकसान है कंट्रोल करेगी, इसे प्राइस कंट्रोल कहते हैं। प्राइस कई बार बहुत ज्यादा तेजी से भागता है, प्याज की कीमत एकदम 200-300 रुपए किलो हो गया, कंज्यूमर के लिए बड़ा मुसीबत है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक मैक्सिमम प्राइस लेवल भी लगाती है। आपने पढ़ा है ना, ये पहले पढ़ चुकी है तो वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो दोनों लक्षण पाया जा रहा है, प्राइस मैकेनिज्म भी देख रहे हो आप, डिमांड एंड सप्लाई से भी कुछ प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड हो रहे हैं और कहीं कहीं पर सरकार अपना प्राइस कंट्रोल भी करते हुए नजर आ रही है। तो ये हमारा भारत देश में चीज देखने को आपको मिलती है, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, एमएसपी वगैरह नाम की कोई चीज नहीं होती है, मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम प्राइस नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो जा रहा है प्राइस जाने दो, जितना नीचे आ रहा है आने दो, जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, ये डिमांड एंड सप्लाई अपने आप ही सेटलमेंट करेंगे आपस में, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी मॉडल के अंदर गवर्नमेंट का कुछ जगहों पर कंट्रोल रहता है, कुछ जगहों पर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास में इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्ड प्राइस। चेक ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मिक्स इकोनॉमी, देखिए एक होता है इक्वालिटीज, इक्वालिटीज क्या होता है कि जहां पर मैं आपको बताता हूं एग्जांपल लेता हूं, इक्वालिटीज का मतलब ये नहीं सबके सब एकदम बराबर हो जाए। आप गवर्नमेंट जॉब देखिएगा सरकारी नौकरी, उसमें अगर एक कांस्टेबल की तनख्वाह अगर आप इसमें देखेंगे कि एक कांस्टेबल की जो सैलरी है वो आपके पास में 40,000 रुपए है, तो एक हेड कांस्टेबल की तनख्वाह आपके पास में 42,000 रुपए है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे एक सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह आपके पास में जो है वो आपके 50,000 है, डिफरेंस जरूर है लेकिन वो डिफरेंस एक 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 जो गैप है वो एक रीजनेबल गैप है।
तो ये से कहते हैं एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान वितरण कहते हैं इसको हम। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे कि एक की तनख्वाह 1 लाख है तो दूसरे की तनख्वाह 15,000 रुपए है, इसे हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। और इनइक्वालिटीज के अंदर जो है गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर इंटरफेयर करती है। जहां जहां पर अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, बीच में बड़ा गैप है, तो ऐसे इकोनॉमी मॉडल में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है और अमीरों पर टैक्स लगाती है। जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी टैक्स स्लेप में रेट उसका उतना ज्यादा कर देगी, 10%, 20%, 30% अमीरों पर टैक्स लेगी और टैक्स का पैसा गरीबों के एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पर खर्च करेगी, जिससे कि ये जो गैप है ये कम हो पाए। उनसे टैक्स लिया वो थोड़ा नीचे आए, गरीबों पर खर्च करा गरीब थोड़े ऊपर आए। धीरे 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 गैप कभी खत्म नहीं हो सकता है, बट गैप को कम किया जा सकता है। तो यहां पर ये यही पॉइंट को बता रहा है कि गवर्नमेंट मिक्स इकोनॉमी मॉडल में गवर्नमेंट चेक करती है कि जब गैप बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है, चेक ऑन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये कुछ बिंदु थे, ये कुछ पॉइंट थे जिस पर मैंने मिक्स इकोनॉमी मॉडल पर चर्चा करा। और आपके डाउट क्लासेस में जो है पीपीसी एंड स्केयरसिटी, ये वीडियोज में है, प्लीज आप जाइए और वीडियोज में इस चीज को देखिएगा। पीपीएफ और पीपी एक ही चीज होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव एंड स्ट्रेट लाइन। ये आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप एक बार वीडियो में देखिएगा, पीपीसी के फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में देखिएगा, मैंने आपको तीनों ड्रॉ करके बताया हुआ है कि जब आपका कांस्टेंट रेट से जब सेक्रीफाइस करता है तो स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग रेट से अगर करता है तो कॉनकेव, और डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस करता है तो कॉन्वेक्स। ये बातें मैंने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है आपको, वीडियो में मैं बता चुका हूं, क्लियर है। आप इन क्लास इनको जाके देखिएगा। एक मिक्स इकोनॉमी के बारे में फीचर नहीं आपसे डिस्कस किया था मैंने, वो आपने पूछा तो फीचर मैंने आपको उसके आंसर टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिए हैं और कंटेंट में भी अभी आपको आपके लग जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल आपको तैयार क्या करके लाना है, कल आपको इंडिफरेंस कर्व तैयार करना है, उससे रिलेटेड डाउट होगा। और इंडिफरेंस कर्व नहीं, कल हम आपको ज्यादा डाउट आ रहे हैं कोस्ट एंड मार्केट से, कोस्ट मार्केट एंड इंडिफरेंस कर्व से डाउट लेंगे आपके, ठीक है।